सीख लो खाना वाना नाश्ता ना, मेरे को डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है तुम लोगों का, जब बड़े बड़ों को खुद बनाओ अपना नाश्ता सुबह उठ के। ओके ये लो। हम सब की लाइफ में एक मंडे आता है जब हम सोचते हैं कि हमें डाइट करनी चाहिए, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम बहुत सारे रूल्स बनाते हैं कि हम फॉलो करेंगे और पैशनेटली फॉलो भी करेंगे, है ना। तो वही मंडे आज था, आज है 3rd of May 2021 और हमने कल मतलब येस्टरडे संडे को सोचा था कि हम सुबह उठेंगे 5:30 बजे और वॉक के लिए जाएंगे, क्योंकि देख सकते हो मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था तो उस चक्कर में हमने सोचा था कि हाँ हम वॉक करेंगे, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड भी कराया, अब क्योंकि अब मैं सिटिंग भी कर पा रहा हूँ, बैठ भी पा रहा हूँ, थोड़ा चल भी पा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि 2 किलोमीटर तो चल वो सही, तो वो था। बट सुबह 5:30 बजे नींद नहीं खुली, बट हाँ हम डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, डाइट कर रहे हैं थोड़ा 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 बहुत बेसिक, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, अब ज़्यादा ऑयली फूड मम्मी ने मना करा है वैसे खाने के लिए तो अब नहीं खाएंगे, और वॉक भी शुरू करूँगा, रात को वॉक कर लेंगे कोई बात नहीं 2 किलोमीटर, बट सुबह एक अलग ही मज़ा आता है। ये है ओट्स का दलिया जिसमें पम्पकिन सीड्स, हरी हरे कलर की सीड्स, बादाम, किशमिश, ओट्स और दलिया है, और इधर है उपमा, ये है मूंगफली। डाइट पे आ गरम तो आज पहले दिन ही खुश हो गए, सुबह उठ नहीं पाए जल्दी, 7:30-8 बजे कुछ उठा था मैं तो वो थोड़ा लेट हो गया, बट हाँ ब्रेकफास्ट अच्छा करा, अभी तक कुछ नहीं खाया उसके बाद, अब बायोटीन पीऊँगा तो चलो बायोटीन पीते हैं। तो दिस इज द थिंग, बायोटीन ओजीवा का आता है बायोटीन, जब मैं रेगुलरली ले रहा था, क्योंकि क्या है मेरे बालों की मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे एलोफीशिया बोलते हैं कि आपका एक सडन तरह से पैटर्न के अंदर बॉल्डनेस आती है, तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ये बायोटीन पीता हूँ, और ये टेस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आता है इसको पीने में, बट मैं स्किप कर देता हूँ, अगर आप इसको रेगुलरली लोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा पक्का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं अक्टूबर से ले रहा हूँ सर, अक्टूबर से, हाँ तो अभी तो ज़्यादा हो गए, 6-7 मंथ्स हो गए, एंड इट रियली वर्क्स अगर आप रेगुलर बेस पे लोगे तो और डाइट फॉलो करोगे तो। ये लिया हमने, ये मेरी कॉपर बॉटल जिसमें हम पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बॉटल मैंने बंद कर दी मेरी, तो अब ये लेना है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे होता है, इसमें पहले से स्पून आती है, ये आपको 2 स्पून्स लेनी है, ये लिया 1 स्पून, ये डाल दी, और ये एक और 2 स्पून्स, बस इसको ऐसे, चीयर्स। इसका स्वाद मतलब ऐसा है, थोड़ा सा खट्टा आंवले का स्वाद है, आंवला क्योंकि इसके अंदर आंवला भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, सीजन बायो, बैम्बू शूट, आमला, पोमेग्रेनेट, अच्छा ये है, एंड इट्स गुड फॉर सी फॉर स्ट्रॉन्गर हेयर, वांट टू बाय इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, आप वहाँ से परचेस करो एंड ट्राई करो, बहुत अच्छा है और एंड टेस्ट में बहुत अच्छा है, अगर टेस्ट में अच्छा नहीं होता तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बड़ी अच्छी चीज़ है। आई नो मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था YouTube से, बट हाँ मैं Instagram पे एक्टिव था, तो अगर आपको वहाँ फॉलो करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता था,
बट यूट्यूब पे यार ये था कि समझ नहीं आ रहा था मैं कंटेंट बनाऊँ नहीं बनाऊँ, एंड थिंग्स हैव बीन चेंज फ्रॉम अक्टूबर 2020 टिल नाउ, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर अंडर 3 मिनट्स मैं पूरा अपने अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आई विल डिस्कस माई वॉट थिंग्स हैपेंड इन दो 6 मंथ्स, वो मैं आपको बताऊँगा उस 3 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, था मिक्सचर था अच्छी चीज़ का भी और बुरी चीज़ का भी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था व्लॉग बनाना। बट हाँ, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया एंड वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार करण प्लीज़ वीडियो बना, घर की बना कोई बात नहीं, बट इनिशियली स्टार्ट कर, ऐसे रोक मत अपने आप को, एंड ट्रस्ट मी मुझसे ज़्यादा किसी को तड़प नहीं हुई होगी वीडियोस बनाने की। मतलब मेरे को रात को सोते सोते भी ऐसे ख्याल आते थे कि यार इस चीज़ का मैं वीडियो बनाता हूँ, उस चीज़ का वीडियो बनाता हूँ, पता नहीं ना जाने क्या क्या हद पार मेरे इतने दिमाग में इतना चलता था, मैं रात को सो नहीं पाता था क्योंकि मेरे इतने आइडियाज़ चलते थे मेरे दिमाग के अंदर, बट कुछ भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था, मैं बस सो जाता था कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। बट नाउ मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा करते हैं, कोई बात नहीं 10 लोग देखेंगे 15 लोग देखेंगे कोई बात नहीं देखने दो, बट अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए जितना करना चाहिए उतना तो करूँ मैं। तो हाँ अपन ब्लॉग बनाएंगे एंड आपको बताऊँगा कि मेरे ये नी में क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेरे को आपको आपके साथ डिस्कस करना है, तो करेंगे वो भी आपको। मैं भी बता सकता हूँ कि कुकिंग और कुछ ना कुछ छोटी मोटी रेसिपीज जो मम्मी मेरे साथ शेयर करती है, क्योंकि मेरे को पसंद है खाना बनाना, एंड बस सिर्फ घर वालों के लिए ऐसे और अपने दोस्तों के लिए बस, और किसी के लिए नहीं, ऐसे नहीं एज अ प्रोफेशनल नहीं, बस हाँ एज अ हॉबी आई डू। या इस व्लॉग को सिंपल रखते हैं, छोटा सा रखते हैं, बहुत पका दिया मैंने, बहुत टाइम बाद आया हूँ तो मैं ऐसा पका रहूँगा मैं जानता हूँ। तो या यहाँ तक झेलने के लिए थैंक यू सो मच, एंड ये देखो हमारा छोटा सा चिड़िया है, सब है हमारे मस्त, इनके साथ टाइम पास होता रहता है मेरा। सो या टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, नॉट इन कोरोना पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव रखो ठीक है, एंड हमेशा हंसते रहो खुश रहो, अपने घर वालों को बता तुम उनसे कितना प्यार करते हो, एंड या बाय।